टू थिंक द वे यू फील, एक साइकिल बन गया, ये फील करके ऐसा लगता है और ऐसा ही लगना चाहिए, हम टाइप्ड हो गए वैसे, ऐसा ही जीवन चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने लिया नहीं, बताने के लिए बता रहा हूँ। इनसिक्योरिटी से निकले दो रूट, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा, मेरे को ये रास्ते पे चलना है और जीवन को ऐसे ऐसे करना है, ये राइट साइड वाला अच्छे वाला, और मेरे को जिंदगी में ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये हमने परसीव किया और वैसे जीवन जीना शुरू किया, राइट। और एक इससे उल्टा रॉन्ग रास्ता, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ का रास्ता, दो रास्ते, इनसिक्योरिटी से दो सड़कें निकली, जो तो रॉन्ग है उसको तो वाइजनेस नहीं है, मालूम नहीं है, दे आर लिविंग इन अ वेरी लोअर ब्रेन, एनिमल है पूरा। ये जो इंसान की तरफ है, इसने अक्सर हम सुनते हैं पेशेंट के मुंह से कि डॉक्टर साहब मैंने तो जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरे को ये सजा मिली, मेरे को ये रोग लगा, मेरे को ये दुख मिला, मेरे को ये फलाना मिला, ये डमकाना मिला, अक्सर आप सुनेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि इफ देयर डायरेक्शन इज राइट, वाइजनेस इज सेइंग इफ योर डायरेक्शन इज राइट देन व्हाई यू आर गेटिंग पेन, नहीं आता। तो बेसिकली ये जो हमने अच्छे का चुना, यहां पे भी हम इनसिक्योर है कि अगर मैंने ये छोड़ा तो ये तो बुरा है, मेरे को इसी को पकड़ के रखना, मोरल्स पे चलना है, ऐसे ऐसे चलना है, और ग्रीफ नहीं छोड़ा, डर नहीं छोड़ा, क्या बोलो, इनसिक्योरिटी से निकले नहीं, रिलेशन तो अच्छे हैं, इनसिक्योरिटी से निकले नहीं, जिंदगी डरती रही रिलेशन ना चले जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, वही साधु महात्मा जिनकी मैं बात कर रहा था, दो ही से वेरी यू कैन से इवॉल्व सोल, बहुत समझ की बातें, कुछ प्रॉब्लम उनको थी तो मैंने जब पूछा तो देन ही आंसर्ड, मेरे भाई, दो भाई हैं छोटे, छोटा भाई वो बोलता है कि मेरे को जमीन दे दो, तो मैंने बोला ले ले, ये आपके हिस्से की, आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया। छोटा भाई साधु महात्मा को बोल रहा है, बाबा जी को, कि आप लोग बड़े हो, मेरे लिए आपने क्या किया, तो आप मेरे को जमीन दे दो सो दैट मेरा भी कुछ बन जाए। तो बड़े जो दोनों भाइयों ने उसको, उनको जमीन दे दी, तो बोलते हैं कि ये मेरे को मालूम है वापस नहीं देने वाला। मैंने बोला मतलब महाराज आपको यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डर क्या, क्योंकि ही वॉज गेटिंग द इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट अगेन एंड विद कॉन्स्ट्रिक्शन पेन इन द एब्डोमेन, तो व्हाट माय डायरेक्शन वाज कि ये पेन क्यों हो रही है, गला क्यों खराब हो रहा है, ये जख्म क्यों हो रहा है, अगर इतनी वाइज सोल है तो ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। तो देन ही आंसर्ड कि डॉक्टर साहब मैंने ये जिंदगी का जो रास्ता पकड़ा है कि मैं लोगों के फैसले करवाता हूँ, लोगों के घर आबाद करवाता हूँ, लोगों की फैमिली की सेटलमेंट करवाता हूँ, और मेरे को ये डर रहता है कि कहीं मेरे घर में, समझे बात, अरे डर कहाँ कहाँ पे है, डर कहाँ कहाँ पे है, डर इतना इवॉल्व हो जाने के बाद भी है, डर ऊंची इमारत बना लेने के बाद भी है, डर डिल्यूजन ग्रेट हो जाने के बाद भी है। मैंने पहले मैं बात करता था जब डिवेल्यूएशन के केस पे कि अगर बोन इवॉल्व हो रही है तो दैट इज इवॉल्विंग आउट ऑफ सेंसिविटी, सेंसिविटी ऑफ डिवेल्यूएशन, योर बोन एंड मसल्स आर इवॉल्विंग, बट बोन ही टूटेगी, क्यों, सेंसिविटी वही तो डेवलप कर रही है उसको, इस वीकनेस ने स्ट्रेंथ दिया, बोन स्ट्रांग हो गई, वही ऑर्म ऑनर वाउंडेड से ही जाएगा, क्यों, वही सेंसिविटी तो यहां तक लेके आई उसको, इसी चीज ने तो हमने बिल्ड किया, तो क्यों बिल्ड किया, यही तो मैं बताना चाहता हूं, ये है बेसिक, इसके ऊपर हम बिल्ड हुए, जब तक ये इनसिक्योरिटी, ये डर, ये डिवेल्यूएशन नहीं जाएगी अंदर से, तब तक हम बीमार होते रहेंगे, होते रहेंगे। मैंने उनका, मैं सोच भी नहीं सकता, मैंने उनका एलिमेंट फ्रॉम ह्यूमिलेशन से दवाई देखी, कि एक साधु महात्मा में ये डर आएगा कि मेरी कुछ इज्जत नहीं रहेगी, मैं तो खत्म हो जाऊंगा अगर ऐसा कर दिया इसने तो। सो ऐसे हम ऑपरेट होते हैं नीचे से,
और ऐसे हमने थॉट से फीलिंग और नीचे जाना है, और जो हमने ये बिल्ड किया है शरीर, ये जो दुनिया हमने बिल्ड की है, इसके पीछे जाना है, पीछे सो रहा है हैनीमैन, पीछे की बात कर रहे हैं, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, उस कोर पे जाना है। और वो कोर, अब हम आगे और आपको अच्छी चीज़ एक डिमार्केशन मिल जाएगी, जो सर ने भी अभी चेन्नई में बहुत बढ़िया से उसको समझा दिया। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ बीइंग, मूड्स, हम पढ़ते मूड, ऐसा मूड वैसा मूड, हम पढ़ते टेम्परामेंट्स, हम पढ़ते पर्सनैलिटी ट्रेट्स। हमें सर यहाँ पे लेकर गए कि ये सब पे नहीं प्रिस्क्राइब करना, ये तो चेंजेबल है। तो मूड इज ये जो बीइंग की स्टेट है हमारी, इफ दैट स्टेट रिमेन्स फॉर आवर्स एंड डेज देन इट्स अ मूड, व्हेन दैट स्टेट रिमेन्स फॉर वीक्स एंड मंथ्स देन इट्स अ टेम्परामेंट, व्हेन दैट स्टेट रिमेन्स फॉर ईयर्स हाइड एंड फाइल्ड वाइल्ड एंड फाइल्ड ईयर्स, अरे ईयर्स नहीं जन्म जन्म, 86 बर्थ हो गए उसके पेशेंट के, और 86 बर्थ में वो एंग्जाइटी न्यूरोसिस में है, और अभी भी पता नहीं जीवन उसका वापस आएगा कि परमात्मा में विलीन हो जाएगा। तो यस, एन एक्सपीरियंस क्रिएट एन इमोशनल रिएक्शन विच कैन टर्न इनटू अ मूड टेम्परामेंट एंड फाइनली इनटू अ पर्सनैलिटी। वी आर फाइंडिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स विद द ईयर्स ऑफ हार्ड वायरिंग ऑफ आवर डिफेंसिव ब्रेन। दिस इज अ सोल कंक्रीट थॉट, जितना हमने सुबह से समझा कि डिफेंसिव ब्रेन में हमने हार्डवायर किया एक पर्सनैलिटी को सालों में, नेक्स्ट फिनोमेना ऑफ डिजीज और थोड़ा आगे, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज स्टार्ट्स विद इन अस एट ऑप्टिमम स्पेस एंड टाइम। जब बातें समझ में आई हैनीमैन की तो जीवन बहुत अच्छा हुआ ऑर्गेनिन से, फिर सर मिल गए और अच्छा हुआ, फिर सर से हैमर मिला और अच्छा हुआ, समझ में आई बात कि 100 साल जी सकता है। फिर ब्रूस लिप्टन मिले, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, प्लीज गो थ्रू दिस ब्यूटीफुल बुक बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, वो मिले जीवन और अच्छा हुआ। फिर बीबी लुई से मिली, जीवन और अच्छा हुआ, और इससे तो बहुत अच्छा हुआ। वी वॉज ऑन द पाथ, दैट्स वाई मैंने बुक्स पढ़ी ऐसी, बोलते कि आपके हाथ में ये बुक इसलिए बिकॉज यू हैड अट्रैक्टेड इट, यू वॉन्ट टू चेंज, योर स्पिरिट इज डिमांडिंग दिस थिंग। सो आज अगर आपको किसी को ये बाण लगता है ऊपर उठने का, तो यू आर स्पिरिट, इसमें हमारा रोल नहीं है, यू हैड केम टू इन दिस वॉर्टेक्स, यू कैन सी इस इन दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम तो सालों से चल रहे हैं। Phenomena of disease, development of disease starts within us at optimum space and time. कोई नहीं जानता कि कब बीमार होगा, एक समय आएगा, एक समय आता है, vital force अपने आप से ही पैदा कर देती है। मैं example देता हूँ अक्सर कि दाल को, दाल होती है, दाल को आप उसमें बंद करके रखते हैं एक vacuumated container में, अगर एक महीना उसको धूप नहीं लगाई तो क्या होता है, क्या लगता है उसको, कीड़ा लगता है। किसने अंडे दिए उधर, किसी ने दिए होंगे लगता है। ये डायनामिक पार्ट है, ये स्पिरिचुअल पार्ट है जिसको हम जानते नहीं, तो ऐसे बीमारी आती है। ये अच्छा भला था, पता ही नहीं क्या हुआ, कुछ ऐसे। बट द प्रोसेस वॉज स्टार्टेड बियॉन्ड द टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज, एफोरिज्म नंबर 12 एंड फुट नोट 8, इसको हम पढ़ें। इट इज मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल एनर्जी अलोन एंड प्रोड्यूस्ड डिजीज,
so that the morbid phenomena perceptible to our senses. ये पार्ट था हमारा फिजिकल पार्ट, परसेप्टेबल टू अवर senses. Senses ने वही परसीव करना जो मैटर है. जो मैटर नहीं है वो senses cannot calculate that. और डॉक्टर देख रहा है कि अभी मेरे पास बायोकेमिस्ट्री की रिपोर्ट में कुछ आएगा तो तभी प्रिस्क्राइब करूंगा. ये senses है भाई, आंखें देख रही है, चाहे माइक्रोस्कोप देख रहा तो भी आंखें देख रही है. तो ये तो बहुत बाद की बात है. He says it is morbidly affected vital energy alone that produces disease, so that the morbid phenomena perceptible to our senses expresses at the same time. उधर से ये हुआ, उधर से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. Hammer says in fifth rule के जब भी आपके बॉडी में bacteria को ग्रो करना है तो bacteria को ग्रो करने के लिए वो ऑर्डर देती है. बॉडी ने ऑर्डर दिया है लाइसिस के लिए, बॉडी ने ऑर्डर दिया है पेट के किरमों के लिए, बॉडी ने ऑर्डर दिया है स्कैबिस के लिए, बॉडी ने ऑर्डर दिया है बैक्टीरियाज के लिए कि आ जाओ भाई. फिफ्थ लॉ ऑफ हैमर पढ़ना. लेकिन वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होते कितना टाइम लगेगा? जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, अरे उधर ही पड़ा है. ये डायनामिज्म एंड जो फिजिकल ये सेपरेट नहीं है. तो मैं यहां पे आपको लाना चाहता हूं, एट द सेम टाइम उसने सोचा, बाद में सोचने वाला कौन सा ब्रेन? फिर आगे का हिस्सा. लेकिन जो कंट्रोल कर रहा कौन सा? सोचने से भी पहले. सबकॉन्शियसली एक्सीडेंट होता है जब तो आपको रिकॉल करने में टाइम लगता है. अरे क्या हुआ होगा, मेरे पीछे गाड़ी लगी तो मैं सोचता ही रह गया, मेरे को आप आज तक नहीं समझाई क्या हुआ होगा, लेकिन ये जरूर याद है मैं गुस्से में था. एक्सीडेंट के बाद आपको याद नहीं रहता कि कैसे हुआ, कौन सा माइंड चल रहा था, सबकॉन्शियस. कॉन्शियस कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा कि क्या हुआ था, सो स्लो. तो ये सबकॉन्शियसली सेम टाइम पे all the internal changes occurred, that is to say the whole morbid arrangement of the internal dynamics in a word, they reveal the whole disease. Consequently also the disappearance and the treatment of all the morbid phenomena and of all the morbid alterations that differ from the healthy vital operations certainly affects and necessarily implies the restoration of the integrity of vital force and therefore the recovered health of the whole organism at once. Dono aise ho gaye, kumar ho gaye, at once bacteria aa gaye, at once UTI ho gaya, at once pet mein dard hua, diarrhea chalu ho gaya, pucha nahi, so fast. Haan, ye bahut important hai footnote, sir ne bhi bahut baar zikr kiya. How the vital force causes the organism to display morbid phenomena. Vital force ने, आपकी spirit ने कैसे किया ये changes, physical पे ये changes कैसे किया? That is how it produced disease. It would be of no practical utility to the physician to know. एक तो बात है कि इसका कोई बोलते use नहीं है. Cirrhosis कैसे हुआ पता चला? Cirrhosis कैसे हुआ पता चला? कब पता चला? टेस्ट से. जब तकलीफ हुई तब, जब पाया कि फाइब्रोस्कैन से अच्छा ये हो गया तब. बॉडी ने पूछा नहीं तो हमने हमारी पैथी के हिसाब से कैलकुलेट किया कि ये हुआ था, ये डायनामिक्स एंड ये स्ट्रक्चरल चेंज कब हुआ. वो बोलते हैं कि कोई फायदा नहीं उधर जाने का, क्योंकि वो इतना सबटल है, इतना फास्ट है कि आपके सेंसेस उसको परसीव नहीं कर पाएंगे उस उन डायनामिक चेंजेस को. कब उस दाल में पड़े हुए बंद वैक्यूम में कीड़ा लग गया पता चला? नहीं. तो ऐसा कुछ एंड विल फॉर एवर रिमेन कंसील्ड फॉर हिम. ही चैलेंजेस अस, ढूंढो आप. फॉर एवर रिमेन, हैनीमैन का एक वर्ड लोहे पे लकीर है जो बोल रहे हो आप, ढूंढो बोलते. विल फॉर एवर रिमेन कंसील्ड फ्रॉम हिम only what is necessary to him to know of the disease and what is fully sufficient for enabling him to cure it has the lord of life revealed to the senses. itna hi bataya in senses ko ki tu inki help kar le, itna hi bahut hai.
मत जाओ उधर कि कैसे ट्रांजिशन हुआ ये, मिला तक गॉड पार्टिकल नहीं मिलेगा, ऐसा ही है कि ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन मैटर टू मैटर, फ्रॉम डायनामिक्स टू स्ट्रक्चरल चेंज। हो गया, सो दैट द मॉर्बिड फिनोमेना प्रेसिपिटेबल, द मॉर्बिड फिनोमेना एफोरिज्म नंबर 15 कॉन्स्टिट्यूट ए होल, दे आर वन एंड द सेम। ये मैंने जो पॉइंट से निकाले 15 थे, कॉन्स्टिट्यूट ए होल, दे आर वन एंड द सेम, मीन फिजिकल एंड सोल। सो वट वी आर इन साइड सोल, वी आर आउटसाइड बॉडी इन हेल्थ एंड डिजीज बोथ। नेक्स्ट, डिजीज इज अ सेट इन अवर बॉडी व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम इनर बीइंग बाय पुटिंग रेजिस्टेंस, हेट टू द बिलोंगिंग बॉडी, बिलोंग्स बॉडी ऑफ द सोल। ये कुछ इजी हो जाएगा यहां से हमारा और सफर। एफोरिज्म नंबर 16, कांट बी अटैक्ड अफेक्टेड बाय अदरवाइज देन डायनामिक्स, ये हो गया ऑलमोस्ट, हमने समझ लिया, एंड नॉट क्योर्ड बाय अदर देन डायनामिक्स। डिजीज इज सेट इन अवर बॉडी व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम इनर बीइंग, सोल से हम अपार्ट हुए, लव से हम अपार्ट हुए, ऐसे लेना इसको, एक अनकंडीशनल लव जो था मदर की लैप का, उससे हम अपार्ट हुए, कहां, अवे फ्रॉम इनर बीइंग बाय पुटिंग रेजिस्टेंस, हेट टू द बिलोंगिंग बॉडी। हम अपने आप से दूर हुए, हम अपने आप के प्यार से, बॉडी का जो सोल के साथ रिश्ता है, उस प्यार से महरूम हुए, और हमने अपने ही ऑर्गन को दुश्मन माना, यहां से बीमार। कैसे, लेट अस सी एग्जांपल्स। नेक्स्ट, आईज, आईज पुट होल द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड, जस्ट पुट इन अ राइट होम्योपैथिक वे, आईज वांट टू सी, नॉट वांट टू सी, आंखें देखने के लिए बनाई थी। ए विश संसार जो तुम देख दे, ये हर का रूप है, गुरु रामदास जी सिंह, ये सारा संसार देखने के लिए बनाई, ये कान सुनने के लिए बनाए, ये आई वांट टू सी, आई नॉट वांट टू सी, लव एंड हेट फिनोमेना, एवरी डिजीज इज अ लव एंड हेट फिनोमेना, माइंड इट। व्हेन वी आर गेट अपार्टेड फ्रॉम आवर सेल्फ, वी आर इन अ हेट टू आवर दिस ओन ऑर्गेनिज्म, आवर दिस ओन सोल। ठीक, कान सुनना नहीं चाहते, दिस इज द रेजिस्टेंस, आई डोंट वांट टू हियर, ओल्ड एज पीपल्स डोंट वांट टू हियर, सारी उम्र कमांड किया, अब बच्चे कमांड करते, बच्चे सुनते भी नहीं है, आई डोंट वांट टू हियर दैट, आंख कान बंद कर लिए। अब यहां से, सिर्फ यहीं से, व्हाट सो एवर द पैथोलॉजीज, यू हैव टू मेक इट फ्रॉम डायनामिक पार्ट टू स्पिरिचुअल पार्ट टू पैथोलॉजिकल पार्ट, एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम इरप्शंस ऑफ योर पिन्ना टू लॉस ऑफ हियरिंग एंड इवन ट्यूमर्स ऑफ योर ears, you can say vestibular nerve ka tumor, any pathology related to ears, want to hear, not want to hear, aur humne unko want to hear mein leke jana, humne unko love mein leke jana, apni hearing ko pyar karo, jo aap sun rahe ho ye uska roop hai, right, ye aap sun rahe hai ye aapka roop hai, right, ye bhagwan ka roop hai, ऐसे ही आईज, अब कानों को सुनना पसंद नहीं है, पिन्ना गया, इरप्शंस हुए, देन अंदर, बाहर का ईयर एक्सटर्नल ईयर, देन इंटरनल ईयर मिडल ईयर, देन कॉक्लियर, देन टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, देन नर्वस सिस्टम, देन आगे चलते जाइए, टेनाइटिस इज आल्सो द सेम फिनोमेना, नॉट वांट टू हियर। ठीक है, लव एंड हेट फिनोमेना, मैंने सुनना नहीं, क्योंकि मेरी सोल को तकलीफ होती है सुन के, बॉडी और सोल पार्ट हो गए, मैंने सुनना नहीं, तो अकॉर्डिंग टू द डिजीज वी हैव टू परसीव द यू कैन से स्ट्रेंथ ऑफ हिट, कि इस बिल्डिंग को अगर चोट लगी है तो कितना भारी बम गिरा होगा, वी हैव टू पुट द रूब्रिक अकॉर्डिंगली, इरप्शंस है तो सिंपल एलिमेंट फ्रॉम चलेगा, सिंपल स्टेट चलेगी, फिजिकल चलेंगे,
लेकिन अगर स्ट्रक्चर है, हम आगे जाएंगे, अगर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल चेंज है, ट्यूमर है, क्रॉनिक ऑटाइटिस मीडिया है, तो देन वी हैव टू डू मोर डीपर रूब्रिक, हमें एंटी सोरिक देना पड़ेगा. पहले में सोरे की जरूरत नहीं कंसिडर करने की, एंटी सोरिक देना पड़ेगा. और डीपर है तो फिर हमें डल्यूजन उठाना पड़ेगा. ऐसे जितना हम डीप जा रहे हैं डायनामिक्स से, जितना हम पैथोलॉजी में जा रहे हैं डायनामिक्स से, पैथोफिजियोलॉजी से, जितना हम स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, जितना हमने स्ट्रक्चर को खराब कर दिया बोलो बॉडी में, उतना हमें स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए अपनी एंट्री की, हमारे रूब्रिक की. तो ईयर्स हो गया, आईज, वांट टू सी नॉट वांट टू सी, आईज नॉट वांट टू सी एंड वांट टू सी. डॉक्टर देवेंद्र ने रास्ते में एक केस शेयर किया, कर दे हैदर जी, कर दे कर दे, बाकी मैं दस दें मेरे साथ. एक केस था कल ही आया था, क्या था कि पेशेंट था, उसको बचपन से उसके फादर मदर नहीं थे, तो उसमें एक सेंस ऑफ फॉरसेकन फीलिंग थी. बड़ा हुआ, मेहनत करके बड़ा होता गया, तो जब जॉब लगी, बच्चे हुए, तो बच्चे को पढ़ने के लिए घर से बाहर भेजा चंडीगढ़ में, वो बरनाले का था. तो जब वो ऊपर उसके रूम में गया, तो रूम में जाते ही एकदम से शौक लगा, बैठ गया, खाली कमरा था, तो उसे ये लगा कि मैं बचपन से अकेला था, बड़ा हुआ, बच्चे हुए, अभी बच्चा भी चला गया, वहाँ जाके वो पढ़ेगा, जॉब करेगा, सेटल हो जाएगा, मैं फिर अकेले का अकेला रह गया, तो जीवन जीने का क्या बेनिफिट रहा. तो उसका आधा विजन चला गया लेफ्ट साइड. कौन सी आंख? लेफ्ट साइड. ऐसे हमने हर पैथोलॉजी को वापस लेके जाना उसके डायनामिज्म. डॉक्टर देवेंद्र ने क्या देखा? लेफ्ट आंख. और हमने इसको उल्टाना कैसे? क्या उसका बच्चा गया कहीं? बच्चा कमरे में नहीं है. आपको सिचुएशन समझ में आई कि नहीं? समझ में आई सिचुएशन केस की? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि बचपन उसका बहुत स्ट्रगलफुल था, पेरेंट्स नहीं थे, शायद नहीं थे, अनाथ की तरह पला, मैग्नीशियम का सिचुएशन जैसे, ठीक है. बड़ा हुआ, शादी हो गई, सेटल हो गया, मेहनत करके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए भेजे चंडीगढ़. जब पीछे मिलने गया तो जाके देखा कि बच्चे कमरे पे नहीं है, तो वहीं पे बैठ गया. बचपन में भी अकेला था, बच्चे भी हाथ से गए, ठीक. लेफ्ट साइड का विजन. तो हम कैसे उल्टाएं इसको? नहीं देखना चाहता क्या? आंख बंद कर लिया ना. कोई भी पैथोलॉजी, अभी डायग्नोस नहीं हुआ क्या? डायनामिक्स से लेके स्पिरिचुअल बीइंग से लेके स्ट्रक्चर तक कुछ भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो गया चाहे आंख का, हमने यहीं से उठाना. तो बच्चा गया नहीं है. अब वो जब सिचुएशन ऐसी हो, है नहीं, लगती है, ये डल्यूजन, ठीक है. बच्चा गया नहीं, सिचुएशन क्या है? मैं तो फिर डल्यूजन और सेकंड ऐसे ही उठाना, ऐसे ही पैथोलॉजी से जाना, साइड लेफ्ट. यहां से हम घुस गए उसके अंदर. अब आगे क्या चाहिए? एक आध रूब्रिक और चाहिए बस, और हमारा डल्यूजन उसके स्ट्रक्चर तक की चेंज को रिकवर कर देगा. ये श्योर है, कर देगा. अगर आपका कैलकुलेशन थ्रू पैथोलॉजी है, देखिए क्या है, पहले हम हिस्ट्री लेते थे. अब मैं वापस आता हूँ इसके द्वारा. हिस्ट्री शुरू किया चीफ कंप्लेंट से, फिर हमने पास हिस्ट्री लिया, पूरा जर्नी उसका देख लिया, पूरी लाइफ सिचुएशन समझ ली, तो प्लस प्लस करते गए विवाद ऑन पैथोलॉजी एंड सम रेमेडीज. हमारे पास एक सिचुएशंस हैं लाइफ की, बचपन में माँ मर गई, उसके बाद ये हो गया, लेकिन उसके बाद ये हो गया, लेकिन अफेक्ट उसको आ रहा है हड्डी के ऊपर, ठीक है. एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सिचुएशन डिफरेंट है, दुख की है, डर की है, फलानी है, डमकानी है, पर क्या उन सिचुएशंस ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट किया? अगर नहीं किया
तो आपने ग्रीफ क्यों उठाया? जिस सिचुएशन ने अफेक्ट किया वही पकड़नी है, और कौन सी सिचुएशन अफेक्ट कर रही है कैसे पता चलेगा? पैथोलॉजी से। पैथोलॉजी को आप रिवर्ट करके डायनामिक्स में लेके नहीं जाएंगे तब तक आप उसको सही दवाई नहीं दे पाएंगे, आप उसको सही एंटीसोरिक, सही कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं दे पाएंगे। सो जौन से सिम्टम्स आपकी पैथोलॉजी से रेसिप्रोक होके सोरे की तरफ लेके जा रहे हैं, वही आपकी सही एंट्री है, बाकी आपकी असेसमेंट गलत हो सकती है। माइंड। सो अगर बोन इफेक्ट हुई, जैसे आंख इफेक्ट हुई, कौन सा टिश्यू हुआ, कैसा हुआ, या भी एमआरआई बताएगी, लेकिन हमने डिल्यूजन पकड़ लिया कि यहीं से हुआ, साइड भी लगा ली, लेफ्ट पे हुआ, और आगे कुछ भी एक आध सिम्टम ट्रेट कुछ उसकी लाइफ हिस्ट्री से मिल जाएगा जिससे हम घुस जाएंगे उसमें। जो मेरा केस है उसका एनालिसिस इसी के ऊपर है, देखते हैं हम अगर पहुंच गए वहां तक तो जरूर मैं बताऊंगा पूरे केस में कि कैसे हम घुस रहे हैं उसमें पैथोलॉजी को उल्टाते उल्टाते। सो लंग्स, वांट टू सेफ, नॉट वांट टू सेफ। सेफ है तो लंग डिजीज नहीं है, अनसेफ है तो लंग डिजीज है। अब यहां पे वांट टू क्या, पहले हमने एक क्वेश्चन किया, कौन चाहता है कि मैं बीमार हूं लेकिन फिर भी तो हो रहा है। सबकॉन्शियसली परसीव्ड है क्या कि मेरे बच्चे तो गए, मेरे को तो ये मारेगा, मेरे को ये ऐसा बोलेगा, मेरे को बाप डांटेगा। डर की बात कर रहा हूं कि डर को कैसे विन करे जो उसके अंदर रह चुका। नॉट वांट टू फेस दैट फियर, लंग्स, पेल्विक ऑर्गन्स की मैंने बात कर लिया, वर्दी फीलिंग टू वर्थलेस फीलिंग, बोन्स वैल्यूड नॉट वैल्यूड, लव एंड हेट का फिनोमेना, दो ही पार्ट में बांट लो आप पैथोलॉजी को, बहुत ईजी हो जाएगा। स्टमक, स्वीट मार्सल एंड बिटर मार्सल, इन लुइस ए आई वॉज गोइंग थ्रू डायबिटीज मेलाइटस, शी सेज बिटरनेस इन द लाइफ, स्वीटनेस गोन, इतना सिंपल है। अरे कहां से गया? अब जोड़िए इसको, मैं जोड़ता हूं, अगर मैं हैमर, मैं एक्चुअली करता रहता हूं ये सब। स्वीटनेस ऑफ द लाइफ इज गोन, डायबिटीज की बात करें, डायबिटीज में स्वीटनेस क्या है? जिंदगी बिटर चल रही है, सीधी सी बात। अरे तेरी जिंदगी में ये जहर क्यों घुल गया, सीधा क्वेश्चन, तेरी जिंदगी में ये जहर क्यों घुल गया, कौन सी जिंदगी जी रहा जो पॉइजनस है, जीना नहीं चाहता, अगेंस्ट द लाइफ क्यों जा रहा? दिस इज लव फॉर लाइफ एंड हेट फॉर लाइफ। यहां से हमने निकाल, हम जो भी कर रहे हैं डिफेंसिव कर रहे हैं, इसीलिए हम बीमार हैं, राइट? चलो, सो हो गए। सो इट इज एट एवरी सेलुलर लेवल, इधर इट इज लव और अ हेट फिनोमेना डायरेक्टेड बाय अवर अवेयर, आई हैव कॉम्प्रिहेंडेड दैट बिकम अनअवेयर delusion. My topic was how we become delusive, how we become diseased on the base of animal. So at every cellular level, either it is love or hate phenomena directed by our aware, that become unaware, that become delusive, right? Program in the inner being, in the inner being, in the soul, in the subconscious, right? We can't able to mark our by our intellect that how we got ill. Intellect, आगे का हिस्सा है, subconscious, same बात. Footnote number 12, for were it vital force possessed of such ability, it will never have allowed the organism to get sick. Hanuman लिख रहे हैं कि अगर vital force के हाथ में होता, लिख रहे हैं, आप introduction पढ़ो organism का, aphorism पढ़िएगा, ये मिलेगी आपको लाइन ऐसी. For were it means के अगर vital force के हाथ में होता of such ability, it will never have allowed the organism to be sick. करने देती? नहीं करने देती. It means उसके पास calculation नहीं है. क्या बोलते हैं एनिमल उसको बोलते हैं, वो reasonable नहीं है, unreasonable है. तो कौन सा mind? Subconscious. उसको सुनता नहीं है, सुनता है vital force को? नहीं सुनता, उसकी आंखें हैं, हो गया बराबर. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल कोरिलेशन ऑफ सबकॉन्शियस एंड सोल. सो हाउ वी आर अफेक्टेड बाय आवर सेल्फ, लेट अस सी.
यहाँ पे एक मैं एग्जांपल पहले कोट कर दूँ आपको, देन हम आगे जाएंगे। हमारी जो ये जर्नी हमने देखी, सोल, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार उसको बाइंड करने की, सोल देन बॉडी, बॉडी इन डिफेंस, देन डिजीज। डिजीज क्या हुई? परसेप्शन रॉन्ग हो गया लाइफ का, यहाँ तक हम आ गए। परसेप्शन रॉन्ग हो गया, इसलिए हमने ये पाया कि मेरे बच्चे तो मेरे को छोड़ के गए और आंख गई, मेरी तो वैल्यू गई, बोन गई, मेरा तो ये गया, मेरे को तो ये मारेगा, डर लगा, लंग्स गए, मेरे को ये सुनना नहीं, कान गए, अलग अलग लव और हेट के फिनोमेने से हमने अपने आप को ही खुद का दुश्मन माना। ठीक, ये कान मेरे नहीं है, मेरे को नहीं सुनना। कैसे कैसे? जब आपके पेट में दर्द हो, पेन हुई, तो क्या आप उस स्टमक को प्यार देंगे? क्या कहेंगे? क्या यार, तब से पड़ा हूं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपको पेन हो रही है किसी भी ऑर्गन में, दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ लव, एंड व्हेन यू गॉट द पेन, देन यू आर अगेन ऑन द सेम स्टेट, यू आर ट्राइंग टू प्रेशर दैट ऑर्गन, क्यों नहीं ठीक हो रहा, क्यों नहीं सुन रहा, क्यों नहीं देख रहा, आप उसी के ऊपर फिर प्रेशर डाल रहे हैं।